फतेहपुर जिले में आयोजित अमर शहीद साबू प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में सहारा हॉस्पिटल कानपुर राइजिंग स्टार ने राजकुमार रीजनल राइजर्स पहाड़ीपुर को हरा करके ट्रॉफी जीत करके सर्वश्रेष्ठ टीम बनने का गौरव हासिल किया। अमौली विकासखंड के देवचली ग्राम के नराखा बाबा खेलकूद मैदान पर नौसेना के नेवल शूटिंग चैंपियंस व गोल्ड मेडलिस्ट शार्प शूटर अमर शहीद साबू की याद पर शहीद के भाइया आरवी बाबू एवं माँ जाफरनी देवी के नेतृत्व में 2020 प्रोफेशनल क्रिकेट प्रीमियर लीग 2023 सीजन 6 का आयोजन किया गया। आईपीएल की तर्ज पर आयोजित इस टूर्नामेंट में 6 प्रायोजकों ने बोली लगा करके टीमें चुनी और टीमों में इंजीनियर आशीष मौसमी रॉयल चैलेंजर्स सहारा हॉस्पिटल कानपुर राइजिंग स्टार माँ वैष्णो हॉस्पिटल सुपर किंग्स सरिगमा राजकुमार रीजनल राइजर्स पहाड़ीपुर केजीएफ रेस्टोरेंट टीम आजमपुर गढ़वा परमार्थ प्रेरणा सेवा समिति बुढ़वा के साथ भाग लिया, जिस पर सहारा हॉस्पिटल राइजिंग स्टार कानपुर तथा राजकुमार रीजनल राइजर्स पहाड़ीपुर के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल मैच में शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक राजन सिंह पटेल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी करके कार्यक्रम का संचालन शिक्षक उमेश कुमार त्रिवेदी द्वारा किया गया। मैच के प्रारंभ में सहारा हॉस्पिटल कानपुर ने टॉस जीत करके राजकुमार रीजनल राइजर्स को बैटिंग का मौका दिया, जिस पर रीजनल राइजर्स ने 18 ओवर में 10 विकेट खोकर 138 रन बनाए। बाद में बल्लेबाजी करने उतरी सहारा हॉस्पिटल टीम ने 19 ओवर पे 3 विकेट खोकर 140 रन का स्कोर खड़ा करके टीम जीत हासिल की। टीम के रत्नेश कुमार को 35 बॉलों में 44 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया तथा पूरे मैच में अच्छी गेंदबाजी करते हुए तीन पारी में 10 विकेट लेने वाले मैन ऑफ द सीरीज के नाम दर्ज कराया गया। वहां पर सहारा टीम के विकास पटेल ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों में 38 रन बनाए। जहानाबाद विधायक राजन सिंह पटेल ने फिर विजेताओं को सम्मानित करते हुए उप विजेता टीम को राजकुमार रीजनल राइडर्स पहाड़ीपुर के टीम मालिक राजकुमार को तथा विजेता ट्रॉफी सहारा हॉस्पिटल कानपुर राइजर्स के डॉक्टर निखिल को प्रदान की तथा विजेता तथा उप विजेता टीम के सभी सदस्यों को ट्रॉफी मेडल व नगद धनराशि देकर सम्मानित किया। जहानाबाद विधायक राजन सिंह पटेल ने अपने संबोधन में शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा कार्यक्रम में मुख्य रूप से विकास ग्रुप के अंदर विवेक उत्तम आरवी बाबू डॉक्टर निखिल डॉक्टर राम भक्त वर्मा ब्रजेश पटेल शुभम ठाकरे अमित लकी सोनकर तथा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ऐसे सेवा करने वाले हमारे वो अमर शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार को भी स्वागत और श्रद्धा प्रदान करते हैं। क्या बात है, सेवा करके देश को सीमा में रह करके रक्षा करने का काम किया। आज वो हमारे बीच नहीं है, परंतु उनका नाम अमर रहेगा, वो सदैव जीवित रहेंगे।